Welcome back to my channel. This is Anshika Bhardwaj and you are watching obviously Anshika Bhardwaj with my another YouTube video. So guys, मैं वापस आ चुकी हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं प्रेजेंट हूँ अपनी फेवरेट प्लेस जो कि है, गेस करिए, नानी का घर. एग्जैक्टली, मैं हूँ अपनी नानी के घर पे जो कि है शाहबाद में. और शाहबाद रामपुर का एक छोटा सा टाउन एरिया है और कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आज हम वहीं जाने वाले हैं. और जैसा कि आप जानते हैं, आज मंडे है, सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और सावन का पहला मंडे है, हमारा फास्ट भी है. तो आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं टेम्पल. यहाँ पे एक टेम्पल है, महाकाल शिव टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है, बहुत अच्छा टेम्पल है. तो आज हम वहीं जा रहे हैं और ये ब्लॉग उसी चीज़ के लिए है. तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड. जो भी होगा मैं आपको बताऊँगी ब्लॉग में. बहुत प्यारा मंदिर है गाइस, तो आप लोग देखिएगा. ओके, चलिए लेट्स गो, बाय बाय. हे गाइस, सो गाइस मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ और मंदिर जा रहे हैं हम लोग. और मेरे साथ मेरा भाई और मेरी सिस्टर है, से हाय. और आपको दिखाते हैं कि हमारा रास्ता कैसा है. सो गाइज़, हम चल रहे हैं अभी, देखते हैं कितनी देर में पहुँचे. और यहाँ पे शाहबाद में एक और बहुत प्यारी जगह है जो घूमने के लिए है, टूरिस्ट प्लेस है ये नवाबों की कोठी और शाहबाद की कोठी नाम से भी फेमस है. आइए हम आपको दिखाते हैं, जाएंगे नहीं, सिर्फ वे दिखाएंगे. सो ये मेन गेट है कोठी का और यहीं पर एक झील भी बनी हुई है पीछे, बहुत प्यारी झील है, घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है. तो फिर कभी कवर करते हैं ये, अभी मंदिर चलते हैं, मंदिर कवर करना है क्योंकि ये गाइस आपको नज़र आ रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ. ये है हमारी कोठी जो शाहबाद की कोठी नाम से भी फेमस है. यहाँ आसपास इसी तरीके के स्ट्रक्चर में घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा प्यारी लोकेशन है. थोड़ा दूर और रह गया है मंदिर यहाँ से. अगर आप लोग भी शाहबाद घूमने आ रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप कोठी पर एक बार जरूर आएं. सो गाइस, मैं अपना आधा रास्ता पार कर चुकी हूँ, थोड़ा सा और दूर है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मुझे नहीं पता है. तो हम खुशी से पूछते हैं, खुशी हाँ, कितना दूर रह गया है मंदिर अभी? तीन चार मिनट. तो हमें 3-4 मिनट और चलना है पैदल पैदल, फिर हम मंदिर पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं. सुनने में तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्यारा मंदिर है और ऐसी यहाँ की मान्यता भी है कि यहाँ पे आप जो भी विश मांगते हैं, जो भी प्रार्थना आपकी होती है वो पूरी हो जाती है और बहुत जल्दी पूरी हो जाती है. तो हम भी चल रहे हैं, सावन का फर्स्ट मंडे है, शिव जी का दिन है, तो आइए दर्शन करके आते हैं. और यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सावन का फर्स्ट मंडे है और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी मान्यताएं हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं, अच्छा खासा रश रहता है. आप देख सकते हैं मंदिर आने वाला है, कुछ दूरी पे हमें नज़र भी आ रहा है. सो जल्दी जल्दी चलते हैं. और गाइस, हम मंदिर में अब आ चुके हैं. ये मेन गेट है. सबसे पहले हम नल से जल भरेंगे जो हम शिवलिंग पे अर्पित करेंगे. और खुशी ने जल ले लिया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर.
वो धीरे धीरे करके मंदिर जा रहे हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम बाहर आ चुके हैं। ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं। और अब बाहर चल रहे हैं। गाइस, हम लोग मंदिर घूम आए हैं और हमने दर्शन भी कर लिए, आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए घर बैठे। सो, हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है और अब हम जा रहे हैं घर। रास्ते में है, आप देख सकते हैं। और हमारा ब्लॉग अब हम यहीं पे एंड अप करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, टेंपल टूर, शावार टूर, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप बहुत लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि जल्दी ही आएगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आपके लिए हर वीक ब्लॉग ज़रूर डालूंगी। सो रेडी हो जाइए और इस वाले ब्लॉग पर प्लीज़ अच्छे अच्छे लाइक करिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिए और जल्दी जल्दी मेरे 200 सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।